भारतीय मौसम विभाग द्वारा दोस्तों अगले 5 दिन हाई अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारी बारिश की चेतावनी, मानसून 2020 नई लिस्ट जारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशन चैनल। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मौसम विभाग की जो भी अपडेट्स है, पल पल की अपडेट्स आपको सबसे पहले विद प्रूफ के साथ मिलती रहे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय मौसम विभाग IMD विभाग द्वारा जो वेदर अपडेट है, अगले 5 दिन हाई अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी, मानसून 2020 नई लिस्ट हुई है जारी। जी हाँ दोस्तों, मानसून 2020 की नई लिस्ट जारी, अगले 5 दिन भारी बारिश के साथ चेतावनी दी गई है मौसम विभाग द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो वेदर अपडेट्स, फिलहाल खराब रहेगा मौसम, इन राज्यों में 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नई दिल्ली, देश में मौसम काफ़ी दिनों से सुहाना बना हुआ है। 20 मई के बाद गर्म हुए मौसम से देशवासी छुटकारा चाहते थे, जहां 26 से 27 मई से मौसम ने करवट ले ली है। कहीं जगह बारिश हुई तो कहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल जून की शुरुआत से मौसम ठंडा बना हुआ है, हालांकि गुरुवार को दिन में थोड़ी चुप रही, लेकिन गर्मी का एहसास कम ही रहा है। वहीं बात आने वाले दिनों की करें तो जारी हुए मौसम विभाग के द्वारा जो चेतावनी जारी की गई दोस्तों, कि फिलहाल जून की शुरुआत से मौसम ठंडा बना हुआ है, लेकिन गुरुवार के दिन में थोड़ी चुप रही है, लेकिन गर्मी का एहसास कम था। वहीं बात आने वाले दिनों की करें तो जारी हुए बुलेटिन में कहा गया है कि गर्म हवा चलने की चेतावनी नहीं थी, अगर थी तो वो सिर्फ भारी बारिश की चेतावनी थी। भारतीय मौसम विभाग IMD ने आने वाले 5 दिनों में अलर्ट जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग IMD विभाग ने आने वाले 5 दिनों, यानी दोस्तों आज हो चुकी है 7 तारीख, कल से 8, 9, 10, 11, 12 जून को हाई अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के इलाकों में जल्द बारिश की चेतावनी जारी की, और मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह कैंथल हरियाणा, रुड़की उत्तराखंड, वल्लभगढ़ हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर हल्की तीव्रता बारिश से होने की संभावना भी जताई है। और जहां शाम को फिर से मौसम ने लिए करवट, बारिश और गरज के साथ हिसार, भिवानी, कोसली, महेंद्रगढ़, चरकी, दादरी, झंझर, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, गुरुग्राम, सोनीपत, दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और इसके साथ ही 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। और मौसम विभाग के अनुसार उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और केरल माह में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं पूरी उत्तर प्रदेश, पूरी राजस्थान, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में प्रत्येक स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सो उत्तर प्रदेश में मौसम हुआ ठंडा, उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी, बिहार में तूफान का असर, जगह जगह बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी भी दी गई है। दोस्तों ये थी वेदर अपडेट्स कि भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD द्वारा भारी बारिश की चेतावनी, अगले 5 दिनों तक रेड अलर्ट और हाई अलर्ट जारी किया गया। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी अपने स्टेट और शहर की अपडेट्स मिलते रहे मौसम विभाग की, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सिटी और स्टेट का नाम जरूर लिखेगा, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट बार बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर जरूर प्रेस करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो।